कहाँ हमने ए का प्रयोग करना है, कहाँ हमने एन का प्रयोग करना है, उसको समझते हैं। तो एन का प्रयोग कहाँ होगा? जब जो है कोई शब्द, कोई नाउन जो है वो वाउल साउंड से शुरू होगा। वाउल साउंड कौन से होते हैं इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ, यू। और जो हिंदी मीडियम है उनके लिए मैं यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि जो आपके हिंदी स्वर होते हैं अ से अह तक, आप उनको भी देख सकते हैं कि जो अ से अह तक शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनसे पहले आपने एन का यूज़ करना है। ये है, ये बहुत यूज़फुल रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। फिर ए का प्रयोग देखेंगे, अगर कोई शब्द जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा, कोई शब्द जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देखें, एन का प्रयोग जो है, जैसे इसमें देखें एन, आउल, तो इसमें अगर हिंदी मीडियम वाले देखेंगे तो आउल, आउल, ये आपको देखेंगे आउल, तो आ जो है स्टार्टिंग का जो साउंड है वो हिंदी स्वर है। या इंग्लिश के हिसाब से भी देखें तो आ क्या है, एक ए का जो है ये वाउल का साउंड आ रहा है। इसमें देखें एन ऑरेंज, इसमें जो साउंड फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, ऑरेंज, अ वाउल साउंड आ रहा है। फिर देखें ए कैट, ए है तो कैट, अब इसमें क्या हो रहा है, अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो क, पहले क आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे हम। ऐसे ही ए बुक, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ए का यूज़ होगा क्योंकि जो है इसका स्टार्टिंग साउंड क्या हो रहा है, बा, हिंदी के हिसाब से देखें तो बा, और इस तरह से इंग्लिश में साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ए का प्रयोग करना हमें। फिर नेक्स्ट देखें यूज़ ऑफ द, अब द के प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जो एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है आपने, तो इसके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, जब हम क्या करते हैं, ऐसे पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं जो पहले ही जो है मेंशन हो गई है, पहले ही जो है उसको उसका डिस्कशन हो चुका है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखें, जैसे राकेश इज़ गोइंग टू बाय अ कार, यहाँ पर देखें हमने ए का प्रयोग कर रखा है, लेकिन जब हम इसी कार के बारे में दूसरी बार बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द कार वॉज एक्सपेंसिव, तो इस तरह से द का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट इज, और कहाँ कहाँ करते हैं हम द का प्रयोग, बिफोर रिवर्स, जैसे द गंगा, द यमुना, और भी जो रिवर्स हैं उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। बिफोर न्यूज़पेपर्स, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बिफोर यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स कौन से होती हैं, जो अपने आप में एक एक हैं, जैसे द स्काई, तो स्काई की अपने आप में एक यूनिक थिंग है। द सन, ये भी क्या है, यूनिक है, सन क्या है, पूरे संसार में क्या है, एक ही सूर्य है। फिर नेक्स्ट है बिफोर डायरेक्शंस नेम, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस तरह से इसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर द नेम ऑफ बैंक, जो बैंक के नाम है उनसे पहले भी क्या करेंगे हम, द का प्रयोग करेंगे, जैसे द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरलेटिव डिग्री, इनसे पहले भी हम जो है द का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे, जैसे राजू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो जो टॉलेस्ट है यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, द का प्रयोग करेंगे। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे नंबर, फिर नेक्स्ट देखें, नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होते हैं उनसे पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे द इंडियंस, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया, सभी भारतीय, लेकिन जब एक की बात करेंगे हम तब एन इंडियन बोलेंगे। नेक्स्ट इज नंबर नाइन इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो ऐतिहासिक भवन होते हैं उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द ताजमहल या द रेड फोर्ट, या रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट भी हो सकता है, रेड फोर्ट, या और भी हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।